हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रिव्यू टाइम में ट्रैक चेंज का होता है, उसको एक्सेप्टेंस कैसे करना है और प्रीव्यू नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रैक चेंज क्या होता है गाइज? अगर मैंने अपनी फाइल सेव कर रखी हो और मैं यहाँ से ट्रैक चेंज ऑन कर देती हूँ तो क्या होता है गाइज, अगर मेरी फाइल कोई खोलता है उसमें कोई चेंजिंग करता है तो अलग से मेरे को हाईलाइटेड होगा। जैसे देखो, किसी ने फाइल जिसकी फाइल है वो ऑन कर रखा और मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस फाइल आपको यहाँ से लिया और डिलीट करती हूँ तो देखिए वहाँ पे अलग से हाईलाइटेड हो गया। या जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, या मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू कर दिया तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट्स दिखा रहा है। जैसे मैं कर्सर रखती हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 19 को इस टाइमिंग में देखिए डिलीट किया गया है। यहाँ पे देखिए डिलीट किया गया है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखती हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कलर्स वगैरह कैसे शो करते हैं। तो आप चाहते हैं चेंज करना तो आप यहाँ से देखिए ट्रैकिंग ऑप्शन में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन। तो आप देखिए यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि इंसर्ट कर तो अंडरलाइन में आ रहा है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे इंसर्ट किया तो अंडरलाइन शो कर रहा है। जहाँ क्लिक किया स्ट्राइक थ्रू आया, स्ट्राइक थ्रू जो मिडल में सिंगल लाइन आता है देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट किया है तो क्या आ रहा है यहाँ पे सिंगल, बीच में सिंगल लाइन आ रही है। ठीक है, अगर हम जहाँ पे चेंज करें तो क्या आ रहा है गाइज, आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है। जैसे देख पा रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर शो कर रहा है। कलर आप चाहते हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि जहाँ इंसर्ट हो वहाँ ब्लू कलर में है, ठीक है, और जहाँ डिलीट हो वहाँ रेड कलर में है। तो यहाँ पे बाय ऑथर ले लेते हैं या आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे आउटसाइड बॉर्डर इसका भी कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, इसमें पिंक ले लिया। ठीक है, ऐसे कोई कमेंट्स वगैरह है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट है, अप्लाई करने के लिए आप ओके कर दीजिए। तो देखिए मैंने इंसर्ट किया तो ब्लू आ गया, रेड आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है इसकी, अगर उसने चेंजिंग्स किए, कई बार क्या होता है किसी ने हमारी फाइल चेंज किया और उसने सेव कर दिया तो हमारी फाइल डिस्ट्रॉय खराब हो जाती है। आप चाहते हैं कि वो अलग से, मतलब हम उसे चेक कर ले कि कहाँ का चेंजिंग है। जैसे आप, मुझे तो पता है कि ऑप्शन होना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए प्रीवियस चेंज देखेंगे तो जहाँ जहाँ चेंजिंग होगा गाइस वो सिलेक्ट करके दिखाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते तो नेक्स्ट दिखाएगा, प्रीवियस जाएंगे तो प्रीवियस दिखाएगा। अब इसमें ऑप्शन तो आता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि डिलीट हो जाए, यानी एक्सेप्ट कर लूँ मैं कि जो जिसने डिलीट किया वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सभी एक साथ एक्सेप्ट हो जाए तो सभी एक साथ कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये चेंज हो तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। जैसे हम यूज करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और नेक्स्ट पर आप मूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारे एक साथ, मतलब मुझे चेंजिंग्स नहीं चाहिए जैसे मेरी पहले फाइल थी वैसे हो जाए, तो ऐसे रिजेक्ट ऑल चेंजिंग डॉक्यूमेंट, तो जितने भी चेंजिंग होंगे सारे रिजल्ट पर एक करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल आप एक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया तो देखिए जितनी भी चेंजिंग्स है वो सारे रिमूव हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एडिट करे तो ना पता चले तो आप इस ऑप्शन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस ट्रैक चेंज के साथ ही ऑप्शन यूज होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीव्यू, नेक्स्ट। तो अगर आप उस चेंजिंग्स को अपनी फाइल में रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करें, और उस चेंजिंग्स को अपनी फाइल में नहीं रखना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट करें। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ट्रैक चेंजिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।